अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम जो है चॉप्स, फ्राई चॉप्स पुलाव बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट करिए आप और बहुत लाजवाब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, हल्दी डाल रहा है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल रहा हूँ 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, स्पाइसी बना रहा हूँ मैं थोड़ा, ये रेड चिल्ली 1 टीस्पून, और जायके के हिसाब से इसमें नमक को शामिल करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम बॉईल करके रखे हैं ये चॉप्स को, हम इसको जो है इसको मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए रखेंगे। ज़रा थोड़ा चटपटे बनाएंगे इसके अंदर। अब हमें थोड़ा इसके लगाने के बाद से नींबू शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे का हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, एक के बाद एक। 2 डली मीडियम साइज के मैं प्याज लिया हूँ, ऑनियन, इसको फ्राई कर लेंगे। और ये होल साबित गरम मसाला डालेंगे, ऑनियन के फूल और वो दालचीनी डाला हूँ मैं, और थोड़े हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची डाल रहा हूँ इसके अंदर। प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, थोड़ा कच्चे पक्के रखेंगे प्याज। और मेरे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल को एक्टिवेट कीजिए ताकि नए जो भी मेरे डिश बने आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। अभी इसमें अदरक लहसुन डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, ये टमाटे, 2 बड़े साइज के टमाटे लिया हमें, स्लाइस कर लिया था, टमाटे डाल के फ्राई करेंगे इसको। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप ज़रूर ट्राई करिए, उसी तरह से जो बच्चे मेरे जल्दी जाने का है उनको जो चीज़ तो कॉलेज को, ये धनिया डाल रहा हूँ साबित, इससे बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ ये है, धनिया खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जिसको थायराइड है वो 1 टेबल स्पून अगर धनिया रात में भीगने डाले और उसका पानी सुबह में पिए तो जो है धनिया भी जो है वो होता। मैं जो है 1/2 टीस्पून डाला हूँ धनिया, साबित धनिया डाला हूँ, और जो है मैं इसके अंदर
ये मसाला डालूँगा, खपसा मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो करिए, एक टेबल स्पून डाला हूँ मैं उसके अंदर। और गरम मसाला डाल रहा हूँ, और मैं चॉप्स को जो है बॉईल करके रख लिया था, और इसका जो है स्टॉक है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। 1 kg जो है राइस लिया हूँ मैं। कोथमीर डाल रहा हूँ इसके अंदर मैं, कोथमीर। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा जोश आ गया तो उसको जो है उसके अंदर मैं चावल राइस डालूंगा। देखिए बॉईल हो रहे हैं पानी, अब हम इसके अंदर राइस जो है शामिल करेंगे। ये जो है मैं 2-1 घंटा पहले जो है चावल को जो है भिगा के धो के रखा था। अब इसके अंदर नमक हम जो है ऐड करेंगे, सॉल्ट जायके के हिसाब से देख के डालना। मैं 3 टीस्पून डालूँगा। अब अपने हिसाब से आपका नमक देखिए, उसके हिसाब से चख के डालिए आप। ज़्यादा हो गया तो कम नहीं कर सकते, कम हो गया तो फिर भी कुछ भी कर सकते उसको, समझे आप। करीब करीब आ गया है दम होने के लिए, समझे, चावल दम होने के लिए आ गया। इसके बाद का प्रोसीजर आपको बताऊंगा मैं। असल धीमी आंच पे रखेंगे हम इसको। ये देखिए माशाल्लाह, खुला खुला ऐसा चावल बना है, ज़रूर ट्राई करना। खुशबू महक रही माशाल्लाह, समझे, खुशबू बहुत महक रही। थोड़ा सा तेल डालेंगे अपन, ज़्यादा तेल नहीं, थोड़े से तेल में तलेंगे, चॉप्स तलेंगे अपन। चॉप्स जो है अभी फ्राई करेंगे अपन। मैंने चॉप्स को जो है बॉईल करके रखा था, उसके अंदर ही जो है चावल के लिए जो है इसका स्टॉक निकाला था। आप ऐसी करिए, इंशाल्लाह बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू अपन, समझे। तरह आज जो है स्लो करेंगे, पूरे पलटा लेंगे, ऐसा फ्राई कर लेंगे पूरे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करना ज़रूर, और इसका फीडबैक ज़रूर देना मेरे को। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो अनलाइक करिए आप, कोई बात नहीं है, अनलाइक करिए आप, समझे आप। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, रिश्तेदारों को दीजिए। डाल लेंगे अपन फिर, और डालेंगे इस तरह से ही, डाल के आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। टेबल पे आ चुका है, इंजॉय करिए आप लोग, बहुत शानदार, बहुत ही मज़ेदार बना है, खुशबू बहुत महक रही है, बेचैन है दिल बच्चों का खुशबू से।
और इजाज़त दीजिए, फिर एक नई डिश के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत के साथ, इज़्ज़त के साथ रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो है इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel and also activate bell icon to get latest videos.